ये आपकी चीज, ये नहीं होगा, आप आए 100 दफा आए, आपका अपना मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, आप लोगों ने व्लॉग देखा हुआ है और मैं आया ही इस शर्त के ऊपर हूँ कि मैं ये वापस करके आऊंगा। आप साइड पे आइएगा, की कर रही हैं, की कर रही हैं, तमीज करो यार, क्या जितना मर्जी झगड़वा लो तुमने रहना ऐसे के ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सबसे पहले व्लॉग स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें सुनाना चाहता हूँ, वो सुन ले, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आपको पता लग जाएगा कि मैंने 7-8 महीने के अंदर अंदर यूट्यूब के ऊपर क्या अर्न किया है, पैसों के अलावा जो मैंने चीज अर्न की है, जो मेरा ख्याल है कि हर बंदा अर्न नहीं करता, वो पहले सुन ले फिर उसके ऊपर बात करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये सुने, उमर अपना एक बच्चा है जो कि जिम का बच्चा है, मोबाइल शोबाइल के सारी कॉल्स वगैरह वो अटेंड करता है, क्योंकि मैं सब कॉल्स नहीं उठा सकता और मेरा दिल करता है कि मैं सबकी कॉल उठाऊं, सबको जवाब दूं जिन जिन के पास मेरा नंबर है। तो उससे बात हुई थी इस लड़की की, और ये लड़की वही है जिसने परसों की डेट में हमें कुरान पाक भेजा था, ऊपर माँ जी लिखा हुआ था, और उसने क्या रिएक्शन दिया वो सुने। बिस्मिल्लाह। मुझे दोबारा मैसेज करना पड़ा है आज आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं शॉक हो गई हूँ, मैं हैरान रह गई हूँ, इतना रिस्पांस। मैंने पीआरस भेजे हैं काफ़ी सारे ना अपने पेज के, अपने बिजनेस के लिए, तो मैंने 5 मिलियन वाले फॉलोअर्स वाले तक जो है ना इन्फ्लुएंसर्स वगैरह के साथ काम किया है। कि अब वो बच्ची कह रही है कि मैंने पीआरस भेजे हैं, ठीक है, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए सेलिब्रिटीज को भेजते हैं, मतलब जैसे मुझे भी आते हैं, सबको भेजती है, उसने 5 मिलियन फॉलोअर्स वाले लोगों को भी पीआर भेजी है। और आगे सुने, का रिस्पॉन्स इतना नहीं था, ज्यादा से ज्यादा हद 500 फॉलोअर्स किसी से आ जाए तो आ जाए, इतना भी बहुत रेयर होता है। और ये जब मैंने पीआर भी नहीं किया, जस्ट एक गिफ्ट भेजा है माँ जी को, तो इस पे। और ये बात सच है, इस बच्ची ने मुझे पहले कहा था कि मुझे आपसे कोई शाउट आउट कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी जो माँ है वो अपनी माँ जैसी लगती है, मैं उनके लिए एक स्पेशल चीज भेजना चाहती हूँ। मैंने कहा बच्चे मोस्ट वेलकम, भेज दो, वो मुझे अच्छा लगा गिफ्ट, अम्मा को अच्छा लगा, तो हमने वीडियो में दिखा दिया और मैंने कह दिया कि जाके बच्ची को प्यार दिखाएं, ठीक है, इतनी सी बात हुई थी। आगे सुने, इतना रिस्पॉन्स कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, क्योंकि मैं तो सिर्फ गिफ्ट भेज रही थी, मुझे था ही नहीं कि इतना वो आएगा लोगों का। एक तो रजा भाई ये जब कह दिया कि एक एक बंदा जाकर थैंक यू करे, तो लिटरली मैं आपको बताऊँ कि एक बंदे ने दिया है और हाजिर लगवाई है, मतलब पता चल रहा है कि रजा फैमिली आई है। आए आए, ये है प्राउड मोमेंट। वो कहती है एक एक बंदे ने आके थैंक यू किया है और पता लग रहा है कि रजा फैमिली आई है। एक मिनट सबर करो, मैं मिलता हूँ आप लोगों, सुनो पहले सुनो। दूसरा, ऑर्डर्स इतने सारे लोग कर रहे हैं, इतने मैसेजेस हैं कि मैं कल से नॉनस्टॉप रिप्लाई कर रही हूँ, मेरे हाथ सुन हो गए रिप्लाई कर करके, बट लोगों के मैसेजेस नहीं रुक रहे, और 1000 से ज्यादा मेरे फॉलोअर्स अब तक बढ़ गए हैं आपके वो व्लॉग में दिखाने के बाद से। एक तो मैं हैरान रह गई हूँ भाई, इसको कहते हैं असल रीच, असल मोहब्बत। वो कह रही है कि ऑर्डर्स इतने ज्यादा आए हैं, कल से मैंने इतने रिप्लाई कर दिए हैं, इतनी बुकिंग्स ले ली हैं, मेरे हाथ सुन हो गए हैं। अल्लाह पाक मेरी बहन के काम के अंदर मजीद बरकत डाले। आगे और सुनो मैसेज, क्या कह रही है। कि कोई फेक फॉलोअर्स नहीं है आपके, जो 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स है ना, मैं कहती हूँ वो लोगों के 5-5 मिलियन से भी ज्यादा 100 गुना बेहतर है। इतनी लॉयल फैमिली, इतने क्रेजी फैंडम मैंने आज तक नहीं देखा। क्या बात, थैंक यू सो मच। और मैं सिर्फ मैं हैरान रह गई कि भाई इतना कैसे किसी के, मतलब कह दिया जब अजय भाई ने कि भाई थैंक यू करके आया एक बंदा, तो वो लिटरली एक बंदा आके मुझे थैंक यू कर रहा है। मैंने और मुझे इतना अच्छा लगा, यकीन करें कि मैंने कहा मैं अजय भाई को भी बताऊं कि आपकी फैमिली वाकई ही आपकी फैमिली है, कि बेशक इतना प्यार वो देते हैं उन लोगों को जिनको आप कह देना कि इनको प्यार देना, तो वो जाके उनको भी प्यार देते हैं। ये तो मतलब अनबिलीवेबल सिस्टम है भाई। अल्लाह पाक से जितना शुक्र अदा कर लूँ उतना कम है। अगर मैं कहता हूँ बार बार कि मुझे एक लॉयल फैन फॉलोइंग, एक लॉयल ऑडियंस मिली हुई है, तो वो सिर्फ मैं कहता ही नहीं हूँ, मैंने वो फील की ये चीज़, इसलिए मैं कहता हूँ। बाकी खुश रहें, मौला आवाज़ रखे आपको, काम और मजीद इस तरह चलता रहे, अपनी एफर्ट देते रहें, नवाजने वाली अल्लाह की बात है। जज़ाकअल्लाह, खुश रहें। ये मैंने उसको रिप्लाई किया था। दोबारा से एक सीन समझा देता हूँ। परसों की डेट में हमें कुरान पाक आया था गिफ्ट के तौर पे। उस बच्ची ने पीआर हमसे मांगी नहीं थी, शाउट आउट हमसे मांगा नहीं था, मैंने अपनी खुशी से उसको शाउट आउट दे दिया। शाउट आउट नहीं दिया, बस अपनी फैमिली से कह दिया कि इस बच्ची का जाकर शुक्रिया अदा करें, इतना प्यारा इसने गिफ्ट भेजा। याद है आपको भट्ट साहब? याद है ना भाईजान, कल उसका वॉइस मैसेज आया मेरे ही मोबाइल पर आया। मैंने अब अवैस को वॉइस मैसेज सेंड किया, क्योंकि मैंने इसके ऊपर वीडियो बनानी थी और आप लोगों को वॉइस मैसेज सुनाना था कि जो 5-5 मिलियन वाले लोगों को उसने शाउट आउट भेजे थे, उसने पीआर भेजा था ना, तो उन्होंने वो रिस्पॉन्स नहीं दिया। 500 ऑर्डर आ गया, 600 ऑर्डर आ गया। कह रही भाई कल से लेके अब तक मैं इतने ऑर्डर रिसीव कर चुकी हूँ, इतने मैसेज टाइप कर चुकी हूँ कि मेरे हाथ सुन हो गए हैं। थैंक यू सो मच, खुदा रसूल की कसम, ये कोई ट्रैप, ये कोई मैसेज जो है वो स्क्रिप्टेड नहीं है, ये रात को मैसेज एक आया था, मैंने अब वो आपको सुना दिया। दिल से लव यू। मैंने 5-5 मिलियन वाले लोगों की उसने कहा है कि ये रीच नहीं देखी, कि पता लग रहा है जो फैमिली आई है। लव हो गया, लव यू ऑल। कभी इंशाल्लाह जिंदगी में मौका मिला तो
तो आप सबका एहसान उतारूंगा जो आप लोग मेरी हर जगह पे इज्जत रखते हैं, जिसको कह दूं उसको जाके सब्सक्राइबर दे देते हो, वॉच टाइम पूरा करवा देते हो, यार क्या बात है यार, लव हो गया पापा जी। ये आप सब आपकी दुआओं का सदका है, आपकी दुआओं का सदका है। पहले भी कहा था आज फिर कह रहा हूँ, जिस दिन 1 मिलियन सब्सक्राइबर हिट हो गए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका भाई ऐसा काम करेगा जो कि हमारे पाकिस्तान के किसी यूट्यूबर ने आज तक नहीं किया हुआ। मैंने खैर बाहर का भी बंदा नहीं देखा कोई इस तरह का काम करते हुए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो बिल्कुल नहीं देखा। खैर वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रज्जब फैमिली का हिस्सा बन जाए, और अगर आप पुराने हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूले हुए तो भाई जान पहले सब्सक्राइब कर लें और फिर व्लॉग का मजा लूटें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि होता है इससे यह है कि जैसे ही कोई नया व्लॉग अपलोड होगा आपको फौरन नोटिफिकेशन आ जाएगा। अच्छा जी, आपको अब आज का सीन बता देते हैं। हिना आसिफ व्लॉग आपको याद होगा जिन्होंने सोने की चेन गिफ्ट की थी, और ये रही वो सोने की चेन। ये मैं सुबह ही बैंक से निकलवा के ले आया था, क्योंकि चोरी के बाद मैंने घर पे गोल्ड रखा ही नहीं, चाहे इतना मैंने रखा ही नहीं। हिना आसिफ व्लॉग ने अम्मा की बर्थडे के ऊपर गिफ्ट दिया था सोने की चेन, जो कि हमें नहीं पता, जब हमने अनबॉक्सिंग की तो वो निकली, उसके अंदर से एक पेपर निकला। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपने अनबॉक्सिंग वाला व्लॉग नहीं देखा हुआ तो आपको पता लग जाए। उस पेपर में लिखा था कि हम सिर्फ आपके साथ एक डिनर करना चाहते हैं हमारे अपने घर पे, जो कि हम खुद बनाएंगे। अम्मा ने कहा था कि जो गिफ्ट है बहुत ही महंगा है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, हम वापस करके आएंगे। और एक घड़ी थी जो मेरे लिए आई थी, 50-60 हज़ार की घड़ी थी, वो भी वापस करनी है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, घड़ी का ऑनर कौन है अभी तक सामने नहीं आया, तो वो वैसे की वैसे घर पे पड़ी हुई है। तो आज हम जा रहे हैं ये चेन वापस करने। अब अम्मा की तरह अम्मा ने तो साथ जाना है, बाबा ने भी जाना है, बाबा बिल्कुल रेडी हैं। अवैस ने जाना है जिम, अवैस लेट हो रहा है। अवैस प्रॉमिस तेरे लिए मैं खाना पैक करवा के ले जाऊंगा, ठीक है, बेफिक्र हो जा, जो भी बना होगा ना मैंने क्या किया, चाहे वो फैन है चाहे वो फैमिली मेंबर है, मैंने कहा था ना मेरे भाई का खाना पैक करो, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। और सुबह से लाइट गई हुई है, कितनी गई भाई लाइट, सुबह 9 बजे की लाइट गई हुई है, 5 बज गए हैं। और अब आपको बताऊं कि आपका रज्जब भट्ट आपका यूट्यूबर यहां पर सर डाल के इस पानी के साथ सर धोया, ये रहा सारा सामान, दांत साफ किए हैं और मुंह साफ किया है, भाई जाना तो है, लेट बहुत हो रहे हैं। अब अम्मा कहाँ पर है भाई जान, बेगम कहाँ पर आपकी, यार बेगम किधर आपकी, बेगम एक ऐसे रूप में है जहां पर आपने उनको पहले नहीं देखा हुआ, रस्ते से उन्हें पिक करना है, उन्हें पिक करते हैं, उन्हें पिक करके पहुंचते हैं हिना आसिफ के घर, देखते हैं खाने के अंदर क्या तामझाम है, और उनको ये उनका गिफ्ट भी वापस करके आते हैं। रही बात पाँव की, तो पाँव अभी आपके भाई का ठीक नहीं हुआ, अभी भी स्वेलिंग है और हल्की हल्की दर्द भी है, तो अब मैं ये चप्पल पहन के तो किसी के घर पे नहीं जा सकता ना, तो पट्टी के अंदर ये शूज पहनने पड़ेंगे, खैर कोई बात नहीं, बिस्मिल्लाह इसको यहाँ रख देते हैं, बिस्मिल्लाह आ जाओ व्हाट्सएप आ जाओ जल्दी करो शाबाश, बिस्मिल्लाह अम्मा को पिक कर लेते हैं जी, अम्मा को पिक करके फिर निकलते हैं आगे। ओके जी, हम पहुंच चुके हैं अम्मा को पिक करने। मैं आपको बता देता हूँ कि अम्मा गई कहाँ पर हैं, और अम्मा का ये ड्रेस भी हम साथ ले आए हैं, क्योंकि यहीं से अम्मा ने तैयार होकर जाना है। ये आ गए अम्मा के शूज, और कौन कौन है ऊपर सारा कुछ आपको बताता हूँ, रुको जाओ थोड़ा, चल भाई। अच्छा जी, अम्मा को हमने ड्रेस दे दिया, अम्मा अपना ड्रेस चेंज कर रही है, स्टूडियो देख के आपको समझ तो लग गई होगी मैं कहाँ पर आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, बढ़िया बढ़िया हंसती हुई बैठी आने थे। अब मैं एक और चीज दिखाता हूँ, आप इधर साइड पे जाइएगा, आप ही साइड पे जाइएगा। की कर रही हैं, की कर रही हैं, तमीज करो यार, क्या जितना मर्जी झगड़वा लो तुमने जाना ऐसे कैसे ही है, ठीक है ना, शादी के लिए कर रही हूँ। हाय ड्रामे, मेरा शादा बहुत दूर है अभी, मेरा शादा बहुत दूर है। ये बताओ जरा किस चीज की तैयारियां हो रही हैं, बताओ। ये मेरे एक भाई की एंगेजमेंट, अच्छा माशाल्लाह, एक भाई का निकाह, मेरा बहुत दूर है अभी, खैर तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं, अम्मा कपड़े चेंज करके आती हैं, तो फिर अम्मा से भी मिलवाते हैं आपको, फिर निकलते हैं, लेट हम पहले काफी हो गए। यार मुझे बताओ आपका पार्लर में क्या काम है, क्या कर रहे हो, सुबह 10 बजे के आप घर से आए हुए हो, शाम के 5 बजे के, क्या करवाया? ये दोनों लेडीज है, ये दोनों लेडीज है, मुझे लेके आई है। आप बस करो, आज आपका खुद भी बहुत दिल था, हाँ। आप लड़के निकले हो, हम सुबह से मैं और पापा बगैर लाइटिंग घर में बैठे हैं, आप कर क्या रहे हो तब से बताओ जरा। तब से मैंने अच्छा क्या करवाया, क्या क्या बताओ, पेंट भी करवा लिया, बस सारी जिंदगी का काम आज ही करवा लिया, तो चले 5 बज गए, बहुत लेट हो गया, बेटी थी ना काम करने, सारा आपके स्टूडियो आ गई है जी, रुपया ना लेके नहीं दिता, एक रुपया नहीं दिता इन्होंने, पैसा कोई नहीं दिता इन्होंने, दिता होता तो मैं ही देना सी, चलो जल्दी करो आ जाएंगी, वो आ जाएंगी, लेट बहुत हो गए हैं, वो लोग वेट कर रहे हैं, जल्दी करो। ये लो माँ जी चेन उनकी, ये आपने वापस करनी है, ठीक है, आप पकड़ा देना। तो बास्केट का जिसमें थी ये? बास्केट थोड़ी अब मैं संभालता, फिर उनको चेन संभाल ली, वही मैंने बैंक में रखवा दी थी, याद है, घर पे तो नहीं रखी मैंने, सुबह निकलवा के लाया हूँ मैं, बच्चों के लिए फल या मिठाई कुछ लेके ले जाती हूँ, खाली ना जाना, थैंक यू।
ये पकड़े, ये ऊपर से मुझे ये दो, जरा भूख बड़ी लगी मुझे। चलो ठीक है, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मेरा ख्याल है कि लोकेशन के तहत जहाँ पे लोकेशन लेके आई है मैं पहुँच गया हूँ। मैंने उन्हें फ़ोन तो किया, आओ माजी बिस्मिल्लाह, देखते हैं शायद हम गए सही पहुँचे हैं, शायद गलत पहुँच गए। लोग मुझे पकड़ा दो बिस्मिल्लाह ध्यान से। जी यही घर है, मेरा ख्याल है सही पहुँचे हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल भाई? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं? तबीयत ठीक है आपकी? क्या हाल बच्चे, ठीक हो? जो आपने किया है उसकी क्या जरूरत थी? आए 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 आर एफ मतलब रजब फैमिली। थैंक यू, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या राशि भाई? अल्लाह का शुक्र सर, सबसे पहले तो आपका बहुत 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 सर, आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया, आपने इतनी इज्जत के काबिल समझा, वरना अभी जो टाइम चल रहा है सोने की चेन ही पे ही थी सरकार। यार वो देखे, वो एक अलग चीज है, वो हिना ने देखे माँ जी बोला हुआ है, तो माँ जी के लिए हम एक छोटे से सब्सक्राइबर है आपके, हमें इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि यार हमारे एक बार एक छोटे से लेटर की वजह से आप हमारे घर तक चल के आ गए। भाई ये प्यार होता है, अमर बाबा नमाज पढ़ रहे हैं, बाबा और अम्मा अंदर पढ़ रहे हैं, मैंने सोचा कि हम आसिफ भाई को मिल लें। भाभी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जितनी भी इज्जत के काबिल समझा, लेकिन अब मैं आपको बता दूंगा टाइम मेरे पास थोड़ा सा शॉर्ट है, पाँव मेरा बहुत दर्द हो रहा है, ज्यादा इस्तेमाल में नहीं पड़ना, जिस काम के लिए मैं आया हूँ मैंने वो करना, मैंने भाग। अब आ गए, आए आप अपनी मर्जी से, जाएंगे हमारी मर्जी से, बगैर खाने के नहीं जा सकते। अच्छा ये इसका मतलब, इसका मतलब क्या है? आर एफ आर एफ रजब फैमिली। आए 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 सर, ये दरअसल हम पूरा ढूंढते रहे हैं, कल रात को भी और सुबह भी, हमें कंप्लीट नाम मिला नहीं है इसमें। अच्छा तो फिर हमने आर एफ मिल गया, तो वही मैंने आपके ना एक दो व्लॉग देखे थे। अच्छा तो माशाल्लाह सही आप लोग काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपके चैनल को इस तरह ही दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे, कोई फर्क वगैरह पड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे 4,000 सब्सक्राइबर जब आपसे मुलाकात हुई है, ठीक है, आपने एक दफा हमारा दिखाया, अभी तो कुछ बोला भी नहीं था। नहीं, मैंने तो शाउट आउट नहीं दिया अभी आपने। नहीं, 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 वो आप दिखा रहे थे ना, हमने आपका हाँ, जब वो हम कर रहे थे ना अनबॉक्सिंग, तो मैंने निकाल के दिखाया था ये हिना आसिफ है। वो हमने व्लॉग देख रहे थे, तो हमने देखा कि यार भाई ने हमारा दिखा दिया कि ये है हिना आसिफ, ठीक है ना, तो उससे फर्क पड़ा। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 3,500 सब्सक्राइबर, और माशाल्लाह माशाल्लाह ये बात हैरत कुन है, आपने एक दफा भी नहीं बोला किसी को सब्सक्राइब। नहीं मैंने नहीं कहा, मैंने सिर्फ दिखाया कि ये है जी हिना आसिफ। उस दिन तकरीबन 1200 कमेंट सिर्फ शुक्रिया अदा करने के आए हैं रजब फैमिली की तरफ से। ज्यादा होंगे इंस्टा पे मैसेजेस, हम यकीन माने अल्लाह गवाह पूरी रात हम दोनों लेके मोबाइल बैठे हुए और सबको रिप्लाई कर रहे हैं कि यार भाई हम अब शुक्रिया अदा ना करें, हमें शुक्रिया की सर। ये फैन फॉलोइंग नहीं है, फैन फॉलोइंग इतनी लॉयल नहीं होती, ये फैमिली मेंबर हैं, ये फैमिली मेंबर है, कोई शक नहीं। हमने आज तक बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर से हमारी मुलाकातें हैं, पर जो आपकी फैमिली है ना, प्रॉमिस बाय गॉड किसी यूट्यूबर की हमने नहीं आज तक देखी है। माशाल्लाह अल्लाह आपको और तरक्की दे, आपका माशाल्लाह जितना नाम है, और जो फैमिली देखिए यूट्यूबर सब्सक्राइबर से नहीं होता, यूट्यूबर फैमिली से होता है, वही बात। और आपकी जैसी फैमिली है ना, अल्लाह की कसम हम दीवाने हो गए। आज वाला व्लॉग स्टार्ट भी इसी बात पे हुआ है, एक बच्ची ने वॉइस मैसेज किए थे और मैं उस बच्ची का फैन हो गया हूँ, और मैं अपनी फैमिली मेंबर्स का फैन हो गया हूँ। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये था कि आपने कभी देखा है इस तरह ही किसी को यूट्यूबर को अपने किसी फैमिली का चला दे? मैंने फैन समझा नहीं, मैंने समझा है फैमिली मेंबर, और मैं आपको अपना फैमिली मेंबर ही बनाने आया हूं। मैं फैमिली मेंबर समझा है तो आप हमारे घर तक चल के आगे, वरना आपका शुक्रिया। एक लेटर पे या एक मैसेज पे कौन आता है भाई? सर कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, बस मनु टाइम नाल जान दो, मैं नहीं थोड़ा सा टाइम उनसान दे दो, माँ जी नमाज पढ़ रहे हैं, अंकल नमाज पढ़ रहे हैं, बिस्मिल्लाह करना है, सिर्फ नमाज पढ़ ले, थोड़ा सा हमने स्पेशल किया हुआ है वो। बहुत शुक्रिया आपकी नवाजिश है, बहुत शुक्रिया। हमारे घर आ चुकी है इनका बहुत शुक्रिया, और हिना सबसे पहले माँ जी को जिन्हें हमने अपनी माँ बनाया है उनके लिए छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट है। आप आए हैं माँ जी, हमारे लिए इतना ही बहुत है। अच्छा जी ये जो वेलकम ड्रिंक आया है हमारा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, भाई मैं सीधे आपसे पीऊंगा, ये क्या है आप बताएंगे? ये जी प्योर आबे जमजम है, हमारे फैमिली मेंबर ही हैं, सऊदी में होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें हर साल आते हैं और प्योर पूरी बोतल देते हैं, और हमारी कोशिश होती है हमारे मेहमान वेलकम ड्रिंक से पहले ये पी लें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इससे स्पेशल क्या हो सकता है जी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नहीं मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आप मुझसे इतना प्यार करते हो, वो काफी था, आपने ये तकल्लुफ क्यों किया? इतना महंगा गिफ्ट तो नहीं बैठे देते ना? नहीं माँ जी ये तकल्लुफ नहीं है, ये हमने अपनी खुशी से किया है ना, मैं माँ से सोने के बगैर भी मैं आप लोगों की माँ हूँ, मुझे गोल्ड की कसम से जरूरत ही नहीं बेटे, आप लोगों का प्यार काफी है मेरे लिए। माँ जी मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, हमने कोशिश ये की है छोटा सा कोई अच्छा सा गिफ्ट हो जो हमारी माँ बोले, मतलब आप कहना चाह रहे हैं जो मैंने 5 सूट दिए वो अच्छा गिफ्ट नहीं है? नहीं बिल्कुल है यार, आपका गिफ्ट तो वो है हमारी। खाना शाना खा लेते हैं फिर आपसे इस बारे में डिबेट करते हैं, ठीक है? बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह, थैंक यू सो मच भाभी, बस ठीक है आ जाएं आप लोग भी,
आप लोग भी साथ ही खाए, अकेले नहीं खाना हमने। मेन चीज रह गई है वो है कराची की बिरयानी, क्योंकि मैं कराची से हूँ। आए आए आए, कराची की बिरयानी आज तो है। बट साहब जरा ख्याल रखना ठीक है, किसी का घर है इधर देखो। हेलो, आराम से ठीक है। अच्छा जी, अच्छा। ओके जी, तो ये आ गए हमारे चिकन के कोफ्ते, ये भाभी ने बनाई है कराची की बिरयानी, टिक्कियां आ गई, ये फिश आ गई, वो सैलड आ गया, और भट्ट साहब ने काम चुक दिया। भट्ट साहब हेलो। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, भाभी खाना बहुत मजे का था, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत कम खाया। हमने खाया कम इसलिए कि हम फर्स्ट टाइम आए हैं, हम चाह रहे हैं कि आप दोबारा हमें फिर बुला लें। अगर हमने सही से खा लिया तो आपने अगली बार बुलाना नहीं। अच्छा, मैं एक बात बोलूं, ये व्लॉग में आप अपने ही व्लॉग में बात बोल रहे हैं, असली रोजाना बुलाने तैयार है। नहीं, जिस दिन टाइम लग जाए इंशाल्लाह, जब फैमिली मेंबर बना लिया तो फिर क्या वहाँ पर टीटो पार्टियां लगानी। जब टाइम होगा, मैं इतने प्यारे बच्चे आपके क्यूट क्यूट से माशाल्लाह, मैं जरूर आऊंगा। और मैंने हर चीज ट्राई की है, हर चीज बहुत मजे की बनी है। भट्ट साहब मीठे के पर हाथ खींचा हुआ आपने? नहीं अभी। मेरे सामने तीन बुढ़िया आपने इकट्ठी ली है, तीन बाइट हमने इकट्ठी ली है ना, एक आती है। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अभी मेरे पाँव में थोड़ी सी दर्द है, माजरत के साथ मैं इसलिए लंगड़ा के चल रहा हूँ। जो मेन काम के लिए हम आए हैं, आपने व्लॉग तो देखा ही होगा, ठीक है। अम्मा आप आ गई सामने आपके, ये आपकी चीज। ये नहीं होगा, आप आए 100 दफा आपका। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, आप लोगों ने व्लॉग देखा हुआ है, और मैं आया ही इस शर्त के ऊपर हूँ कि मैं ये वापस करके आऊंगा। गिफ्ट जो है ना, वो उस तरह का हो जो मैं एक्सेप्ट कर सकूं, जो अम्मा एक्सेप्ट कर सके, जिसका हिसाब ना देना पड़े, ठीक है। ये लेकिन गिफ्ट की कोई कीमत भी तो नहीं होती ना, सब ऐसा भी इसकी बहुत कीमत है। बहुत शुक्रिया, चलो मनु दे दियो भाभी के लिए रख ले। नहीं भाभी आपके लिए बड़ा सोना, भाभी आपकी आने वाली बने, बड़ा सोना उसका ये। भाभी थैंक यू सो मच, आपने पता क्या बात होती है, बात ये है कि आपने इस काबिल समझा, यही हर चीज है, ठीक है। बाकी ये सोना है या कभी वो जो आगे ना, वो फूल पीछे, वो 1.25 लाख है, ठीक है ना। बाकी खाना आपने खिलाया इतना मजे का, बहुत शुक्रिया। खाना तो छोड़ दे, वो तो यार अल्हम्दुलिल्लाह सबने खाना था, और घर वाला ही था, कोई स्पेशल हमने इतना नहीं किया। सर स्पेशल ही है ये, कोई मसला नहीं है। कराची की बिरयानी खा ली हमने लाहौर में बैठ के, हमें इतना बहुत है कि आप लोग हमारे घर आए हैं, हमारे लिए मेरे ख्याल सबसे बड़ी बात यही है। बिल्कुल, और आपने इतनी इज्जत की काबिल समझा है, हमारे लिए सबसे बड़ी बात यही है। अब दें मुझे इजाजत सर, नहीं अभी दो मिनट सर, मैं लेट हो रहा हूँ, जल्दी से उठो, वो 2 मिनट वाला काम करो। स्वीडिश रह गई है? हाँ जी बिल्कुल, वो भी कराची की है, वो भी कराची की आई है। ले आ जी, ले आ, जल्दी से ले। आए आए आए, भट्ट साहब आपने बहुत दूर आना इस चीज से, ठीक है। मैं पहले दूर, आप गाड़ी में जाके बैठे। मैं ये थोड़ा सा टेस्ट करवा दे, यहाँ की डिश नहीं है, कराची की, कराची की डिश है। कराची में शुगर नहीं होती? नहीं, शुगर बिल्कुल लाइट रखी है। चलें बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें, थोड़ा सा टेस्ट करा। बिस्मिल्लाह, हाँ जी मामा जी। नहीं भाई, बस चाय शुए कोई नहीं, अब खत्म ना ना भाई, कश्मीरी है पावे हूँ, कराची दी है। नहीं नहीं नहीं, कोई चाय नहीं मामा जी, निकले। बस अल्लाह पाक आपके ना दस्तखान को वसी करे मौला, तंदुरुस्ती सलामती दो, जो आपकी मुश्किलात मौला सारी हल करे, दस्तखान सदा आपका वसी है। और इंशाल्लाह बेटे अल्लाह पाक आपको बहुत देना। हमारी आधी मुश्किल आज हल ये हो गई है कि हमारी माँ हमारे घर आके बैठ गई, और हमें कैसे बेटे, अब माँ बाप है हमारी, दुआ है आपके लिए इंशाल्लाह मौला आपकी सारी परेशानियां दूर करे, और तुझे अल्लाह पाक तेरी सोच से, तेरी मांगने से पहले मौला तुझे दे, और आपकी सारी मुश्किलात आसान हो। अगर मुझे मिला है अपना घर, तो मेरे भाई को भी इंशाल्लाह मिलेगा, इंशाल्लाह। वो हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिस भी हाल में, हम बहुत खुश हैं। सबसे अच्छी बात यही है, आपकी आपकी फैमिली आपके साथ है, आप लोग खुश हैं, माल दौलत आने जाने वाली चीज़। बट साहब चले के भाई, बहुत 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 शुक्रिया आपके प्यार का भाभी, हर चीज बहुत मजे की थी। अल्लाह पाक आपके रिजक में इजाफा फरमाए। और मेरी बात सुन लें सारे फैमिली मेंबर्स, हिना आसिफ व्लॉग्स के नाम से मेरे भाई का चैनल, जो कि आप सबने देखा ही है, मैंने आपको दिखाया भी था, अभी तो बेसाख्ता दिखा दिया था, आप लोगों ने जाके इतना उनको प्यार दे दिया, अब जाके रियल में प्यार दें, क्योंकि खाना बड़ा मजेदार थी भाई, पेट भर गया मेरा, ठीक है। हाँ भाई जान, बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपकी, शुक्रिया की बात नहीं है, बहुत आपकी शुक्रिया कि आप एक हमारे मैसेज पे हमारे घर आए हैं, हमारे साथ बहुत है, एक मैसेज भी बहुत है, फैमिली मेंबर्स की एक आवाज होनी चाहिए, वही काफी है। इतने आप बिजी रूटीन में आपने इतना अगर हमारे लिए टाइम निकाला, तो मेरे ख्याल दुनिया में और हमें क्या चाहिए। और यकीन माने आप अभी भी आके आपने फौरन हमारा अपने वाइटी फैमिली को पूरा बता रहे हैं कि इन्हें सब्सक्राइब करें, इन्हें फॉलो करें, जो जो बोल रहे हैं लव्स, उसके मैं ये बोलूंगा कि बगैर पैसे दे
अल्लाह गवाह है ना कोई रुपया लिता है ना असि लिता हाँ जी ऐ गल क्लियर कर दियो क्योंकि बीच में कुछ गंदे कीड़े इस तरह के होते हैं जो कहते हैं कि तू पेड प्रमोशंस कर रहा है इतनी कौन प्रमोशन करता है नहीं ये मैं खुल के बोलता हूँ अल्लाह गवाह है ना एक रुपया दिया है ना हमने लिया ऐसा कुछ कह रही हूँ ना कि मैं अपने बेटे के घर आई हूँ अपनी बेटी के घर आई हूँ खाना मैंने बड़े मजे से खाया लाहौर में बैठे कराची का हाँ जी ये चीजें हैं कि लोग जी जी अब मैंने वादा किया है कि तुझे अल्लाह पाक खुला अपना कारोबार दे तेरा घर अपना हो भी मैं आगे अपने हिसाब से गिफ्ट लेके जाऊंगी ठीक है भाईजान ठीक है आपकी चेन आपको मिल गई जी बिल्कुल आपकी नवाजिश आपका शुक्रिया आपने इस काबिल समझा था हमें और हमें ये थोड़ा सा वो बुरा जरूर लगे नहीं वो बुरा लगने वाली बात नहीं है आपकी माँ ने आपको बुरा ना लगे इसलिए वो क्लियर कर दिया कि जब आपको अल्लाह पाक नवाजेगा उस तरह से तो आके आपसे इससे बड़ी चेन ले लेंगे ठीक है इंशाल्लाह उस पे हम पूरा उतरेंगे हमारे ठीक है भाईजान वेट करेंगे अब उस दिन का जैसे ही हमारे पास इंशाल्लाह मैं माँ जी को फोन करके बोलूंगा आ जाओ मेरे घर पे तो सारे ही आते थे मेरे घर पे रोज की 8-10 गाड़ियां आती थी एक ये चीज थी कि मैं किसी के घर गया नहीं था आज वो भी आ गया ठीक है भाई अल्हम्दुलिल्लाह और हम ये कह सकते हैं रजब भाई पहली दफा अपने सब्सक्राइबर्स में से हमारे घर आए अल्हम्दुलिल्लाह ये एहसास हमें हासिल है मोस्ट वेलकम भाई मोस्ट वेलकम थैंक यू सो मच भाई सॉरी 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 मैं भूल गया मैं अपने बच्चे से वादा करके आया था उसका खाना पैक करवा के लाऊंगा सॉरी कसम से हमें भी याद नहीं था हमने सोचा भी था लेना आप ले आए भैया मैं माफी नहीं दूंगा बाटू मैं मेरा पुत्र मेरा भरा छोटा मेरा अवैस वेट कर रहा है खाने का खाना लेके आओ नहीं बिल्कुल बस 2 मिनट मेहरबानी खाने लो माफी नहीं है बिस्मिल्लाह रहमान ये जी अवैस का खाना आ गया मिनसा आ नहीं सकी तो भाई ने मिनसा के बलून रख दिए भाई जान अल्लाह हाफिज बहुत मजा आया थैंक यू सो मच शुक्रिया अल्लाह हाफिज कितना प्यार मिला लगता है हम लोग पहली दफा गए कैसे उस बच्ची ने जी जान से खाने बनाए हुए जी जान बड़े मजे के बड़े मजे के कसम से मैंने चूल्हे में डालनी इस तरह की चेन ने क्यों मेरे बच्चे खुश मैं खुश अल्लाह पाक इन सबको सलामत कहती है चेन ऐसे बनी रहे मैंने चूल्हे में डालनी ऐसी चेन ने अल्लाह मेरे बच्चों को सलामत रखे और ये चेन बनी रहे हमने सबको जैसे समझ कर सकते हम करेंगे करेंगे माहौल इसी तरह बेहतर हो जाएगा और इनका जो YouTube का लिंक है ना इनके चैनल का मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर इनका लिंक है तो जो जो जाके इनको सब्सक्राइब करना चाहे आप कर लें आपके रजब को उन्होंने खाना खिलाया जी क्या ही मजेदार खाना खिलाया जाके उनको प्यार दिखाएं खुश रहे आबाद रहे सब शुक्र अल्लाह ओके जी घर आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े शपड़े चेंज कर लिए फ्रेश हो गए और अम्मा ने भी अपना नाइट वाला सूट पहन लिया चप्पल चेक करो भाई है टाइम हो रहा है जी 9:45 मम्मा जी 9:45 10:45 का टाइम हो रहा है जिम जाने का नहीं अब तो जिम बंद करने का टाइम हो गया मैंने सोचा व्लॉग एंड कर लें लेकिन उससे पहले एक बात बता दें कि बहुत ही अच्छे लोग हैं बहुत ही नेक लोग हैं जैसे कि आप सब हैं वैसे ही वो हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द आप सब से भी कहीं ना कहीं मुलाकात हो ही जाएगी और ये मेरा किबला के रुख मुंह है जो चीज मेरे ऊपर ना हो और मुझे डर लगता है कि मेरे ऊपर बिला वजह किसी चीज की तोहमत ना लग जाए पेड प्रमोशन मैं ऐसे किसी बहन भाई या किसी फैमिली मेंबर के चैनल को प्रमोट करने की नहीं करता हाँ कोई कारोबारी काम हो तो उसके तो पैसे लेते ही रहते हैं भाई किसी ने कोई प्रोडक्ट सेल करवाना है या किसी ने कहीं बुलाना है तो उसके लिए पैसे होते हैं उसके लिए पैसे लेता हूं अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन किसी के चैनल को किसी के घर के चैनल को किसी के पर्सनल चैनल को प्रमोट करने के पैसे मैं नहीं लेता ना ही आज लिए हैं ठीक है बहनों को हाँ बहनों का जरा ख्याल ज्यादा रखा जाता है भाई जरा पक्के होते हैं आपको बताइए इसी के साथ व्लॉग करता हूं यहां पर एंड उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा एक थी हमारे सर के ऊपर जो हमने उतारनी थी वो हम उनको दे आए फलस्तीनियों की खैर मदद करे आमीन सुम्मा आमीन व्लॉग करते हैं यहाँ पर एंड अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें कमेंट करके बताएं कैसा लगा और कैसा नहीं लगा अपना बहुत सारा ख्याल रखें होती है मुलाकात का एक नए व्लॉग के साथ अब तक अल्लाह हाफिज़ सलामत रहो भाग रहे सब